नमस्कार, मैं हूं दिव्या। नॉन स्टॉप 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और विदेश की प्रमुख खबरें। ईरानी कप का फाइनल 1 अक्टूबर को लखनऊ में मुंबई और रेस्ट ऑफ इंडिया के बीच होगा। मुंबई ने 2023-24 रणजी ट्रॉफी जीती है। कप्तान अजिंक्य रहाणे के नेतृत्व में सरफराज खान को बांग्लादेश टेस्ट में ना खेलने पर ईरानी कप के लिए रिलीज किया जा सकता है। अन्य खिलाड़ियों की उपलब्धता अभी तय नहीं हुई है। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति अनुरु कुमारा दिसा नायके ने कहा है कि उनका देश चीन और भारत के बीच सैंडविच नहीं बनना चाहता है। ये तटस्थ विदेश नीति पर जोर देंगे, साथ ही आर्थिक संकट से उबरने के लिए सुधार लागू करेंगे। दिसा नायके ने पूर्व सरकारों को जिम्मेदार ठहराया और आर्थिक स्थिरता का वादा किया है। जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी ने एक शक्तिशाली भूकंप के बाद ओगासावारा द्वीप समूह के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की है। भूकंप के झटके ईजू द्वीप पर महसूस हुए, लेकिन किसी नुकसान की रिपोर्ट नहीं मिली है। वैज्ञानिकों के अनुसार यहां हर साल हजारों भूकंप आते हैं। भूकंप की वजह टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने को बताया गया है। उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के 23,753 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और चयन मेरिट के आधार पर होगा। शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास और आयु 18 से 35 वर्ष निर्धारित की गई है। सैलरी क्रम से 8,000, 6,000 और 4,000 रुपये होगी। तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर मंदिर में लड्डू वितरण विवाद के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने एआर डेयरी फूड प्राइवेट लिमिटेड को FSSAI मानकों का उल्लंघन करने का कारण बताओ नोटिस जारी किया है और कंपनी को जवाब देने के लिए कहा गया है, अन्यथा उनके केंद्रीय लाइसेंस को निलंबित किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी 3 दिवसीय US यात्रा को बेहद सफल बताया है, जिसमें उन्होंने क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लिया और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय से मुलाकात के दौरान मोदी ने भारत की प्रगति और AI को नए अर्थ में परिभाषित किया। उन्होंने आतंकवाद और शांति पर भी जोर दिया। जीवित पुत्री का व्रत, जिसे जितिया पर्व कहा जाता है, इसकी शुरुआत आज से ही हो चुकी है। मिथिला क्षेत्रीय पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि 24 सितंबर को दोपहर 12:38 से शुरू होकर 25 सितंबर को 12:10 पर समाप्त होगी। ये पर्व संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए माताओं द्वारा किया जाता है और इससे धार्मिक महत्व भी जुड़ा हुआ है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की अगुवाई में चुनाव आयोग की टीम ने झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियां की समीक्षा की है। राजनीतिक दलों ने सुझाव दिए, जिसमें झामुमो ने चुनाव दिसंबर में कराने का आग्रह किया, जबकि भाजपा ने घुसपैठियों को रोकने और एक चरण में चुनाव कराने की मांग की है। कांग्रेस और राजद ने भी महत्वपूर्ण मांगे उठाई हैं। अनिल अंबानी के बेटे जय अनमोल अंबानी पर सेबी ने रिलायंस होम फाइनेंस में अनियमितताओं के चलते 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। सेबी का आरोप है कि उन्होंने कर्ज जारी करने की प्रक्रियाओं का सही पालन नहीं किया, जिससे पहले अनिल अंबानी पर भी 5 साल का बैन और 25 करोड़ रुपए का जुर्माना लग चुका है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने खान पान के प्रतिष्ठानों पर मालिकों का नाम और पता डिस्प्ले करने का आदेश दिया है। सभी होटलों, ढाबों और रेस्टोरेंट्स की जाँच होगी और कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। CCTV लगाना भी जरूरी है। CM योगी ने मानव अपशिष्ट मिलाने की घटनाओं को विभत्स बताते हुए सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। तिरुपति के वेंकटेश्वर मंदिर में जानवर की चर्बी वाला घी मिलने के मामले में आंध्र प्रदेश के डिप्टी CM पवन कल्याण ने 11 दिवसीय प्रायश्चित का निर्णय लिया है। वे विजयवाड़ा के दुर्गा मल्लेश्वर मंदिर में झाड़ू लगाकर माफी मांगेंगे और 1 अक्टूबर को वेंकटेश्वर मंदिर जाकर क्षमा याचना करेंगे। CM नायडू ने पूर्व सरकार पर आरोप लगाए हैं, उन्होंने घटिया घी का इस्तेमाल किया। भारत और बांग्लादेश के बीच कानपुर में 27 सितंबर से शुरू होने वाले टेस्ट मैच के लिए पिच की विशेषताएं सामने आई हैं। काली मिट्टी की फ्लैट पिच कम बाउंस होगी और मैच के बढ़ने के साथ स्लो हो सकती है। भारत 3 स्पिनर्स के साथ खेलने की योजना बना रहे हैं। पहले टेस्ट में भारत ने 280 रनों से जीत हासिल की थी। BSNL ने 999 रुपये प्रति माह में 5,000 GB डेटा वाला 200 MBPS की स्पीड वाला नया ब्रॉडबैंड प्लान लॉन्च किया है। इस प्लान में डेटा खत्म होने पर 10 MBPS की अनलिमिटेड स्पीड भी मिलेगी। यूजर्स को डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, सोनी लाइव और अन्य OTT प्लेटफॉर्म का मुफ्त सब्सक्रिप्शन मिलेगा, साथ ही इंस्टॉलेशन चार्ज भी नहीं लगेंगे।
24 सितंबर को सोने की कीमत 204 रुपए बढ़कर 74,671 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई, जबकि चांदी 312 रुपए बढ़कर 88,068 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। HDFC सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता के अनुसार सोना साल के अंत तक 78,000 रुपए और चांदी 1,00,000 रुपए प्रति किलो तक जा सकती है। सोने की खरीद में BIS हॉलमार्क और कीमत की पुष्टि करने की सलाह दी गई है। बांग्लादेश ने भारत के गृह मंत्री अमित शाह के बयान की आलोचना की है, जिसमें उन्होंने रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को निकालने की बात कही थी। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने इसे अपमानजनक बताते हुए भारत के उच्चायुक्त को बुलाया। अमित शाह ने कहा था कि बांग्लादेशियों की घुसपैठ से भारतीय संस्कृति को खतरा है। बांग्लादेश में हालिया राजनीतिक घटनाक्रम भी चर्चा में है। रेलवे ने माता वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए उदयपुर सिटी श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्पेशल रेल सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है। ये सेवा 2 अक्टूबर से 13 नवंबर तक चलेगी। ट्रेन संख्या 09603 उदयपुर से 1:50 पर चलेगी और 09604 कटरा से 10:50 पर रवाना होकर उदयपुर पहुंचेगी। विभिन्न स्टेशनों पर ठहराव होगा। टमाटर की कीमतें 20 से 30 रुपए से बढ़कर 50 से 70 रुपए प्रति किलो हो गई है। केंद्र सरकार ने इन कीमतों पर नजर रखने का निर्णय लिया है और सस्ते दामों पर बिक्री शुरू कर सकती है। बारिश और बाढ़ के कारण उत्पादन में कमी आई है, जिससे टमाटर की आवक कम हो गई है और दाम बढ़ रहे हैं। केंद्रीय टेलीकॉम मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने फर्जी कॉल और मैसेज पर लगाम लगाने के लिए नए नियमों की घोषणा की है। अब मोबाइल उपयोगकर्ता प्रमोशनल कॉल और मैसेज को ऑटोमेटिक तरीके से बंद कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें कंपनी को तुरंत रिपोर्ट देना होगा, जिससे इन परेशानियों से राहत मिलेगी। हवाई जहाज की खिड़कियां छोटी और गोल होती हैं, ताकि विमान की संरचना मजबूत रहे। बड़ी खिड़कियों से हवा का सही प्रवाह बाधित होता है, जिससे खिंचाव और नुकसान की संभावना बढ़ जाती है। 1950 के दशक में चौकोर खिड़कियां दुर्घटना का कारण बनी, इसलिए सुरक्षा के लिए गोल आकार अपनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में मेडिकल कॉलेजों में NRI के लिए विशेष कोटा समाप्त कर दिया है, जिसे हाई कोर्ट ने पहले रद्द किया था। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने इसे धोखाधड़ी और पैसा कमाने की रणनीति करार दिया है। पंजाब सरकार द्वारा NRI उम्मीदवारों की परिभाषा को व्यापक बनाने के प्रयास को कोर्ट ने अनुचित बताया है। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने हाल ही में शतरंज ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीतकर भारत की पुरुष टीम की ऐतिहासिक जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने 10 बाजियों में 9 अंक अर्जित किए थे। अब उनका ध्यान नवंबर में चीन के डिंग लिरेन के खिलाफ विश्व चैंपियनशिप पर है, जिसमें वे पहले भारतीय खिताब जीतने का प्रयास करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जातियों में उपवर्गीकरण के अधिकार पर दिए गए अपने पूर्व निर्णय की समीक्षा करने का निर्णय लिया है। कोर्ट में कहा गया है कि राज्यों को आरक्षण के लिए उपवर्गीकरण करने का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन ये मात्रात्मक और प्रदर्शन योग्य आंकड़ों पर आधारित होना चाहिए। 2004 के फैसले को पलटते हुए कोर्ट ने पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए इसे आवश्यक बताया है। तिरुपति लड्डुओं में चर्बी की मिलावट के आरोपों के बावजूद मंदिर प्रशासन ने पिछले 4 दिनों में 14,00,000 लड्डू बेचे हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि उनकी श्रद्धा अडीग है। मुख्यमंत्री N. चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाया है कि लड्डू बनाने में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल हुआ, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने इसे राजनीतिक विवाद बताया है। यूपी पुलिस में कांस्टेबल के 60,244 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा परिणाम सितंबर के आखिरी हफ्ते में जारी होने की संभावना है। परीक्षा 25 से 31 अगस्त 2024 को आयोजित हुई थी। फाइनल उत्तर कुंजी जल्द जारी होंगी, जिसके बाद परिणाम www.uppbpb.gov.in पर प्रकाशित किया जाएगा। सफल अभ्यर्थियों को फिजिकल टेस्ट पास करना होगा। OpenAI का न्यूजरूम अकाउंट हाल ही में हैक हो गया, जिसमें हैकर्स ने $OpenAI नामक फर्जी क्रिप्टो टोकन लॉन्च करने का दावा किया। उन्होंने एक धोखाधड़ी वेबसाइट का लिंक साझा किया, जो असली साइट की तरह दिखती थी। OpenAI ने पोस्ट को तुरंत हटाया, लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि कोई इस स्कैम का शिकार हुआ है या नहीं। सुरक्षा विशेषज्ञों ने सतर्क रहने की सलाह दी है। iPhone 16 सीरीज के लॉन्च के बाद Flipkart iPhone 15 Pro पर 89,999 रुपए की कीमत से बड़ा डिस्काउंट देने जा रहा है। बिग बिलियन डेज सेल 26 सितंबर से शुरू होगी, जिसमें iPhone 15 Pro की कीमत 119,999 रुपए से घटकर 99,999 रुपए हो जाएगी। iPhone 15 Pro Max पर भी बड़ा छूट मिलेगा, जिससे इसकी कीमत 109,900 रुपए होगी।
सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर आज 25 साल के हो गए हैं। लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर ने आईपीएल 2023 में डेब्यू किया था और अब गोवा के लिए घरेलू क्रिकेट खेल रहे हैं। अर्जुन ने 5 आईपीएल मैचों में 3 विकेट लिए हैं और बल्ले से 13 रन बनाए हैं। फैंस उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं। नासा ने बताया है कि 2024 PT-5 नामक एस्टेरॉयड 29 सितंबर से 25 नवंबर तक पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाएगा, जिसमें आसमान में 2 चांद जैसे दृश्य नजर आएंगे। इसका व्यास 37 फीट है और ये पृथ्वी से 2.6 मिलियन मील की दूरी पर रहेगा, इसलिए इससे कोई खतरा नहीं है। ईडी ने गाजियाबाद स्थित सई कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डर्स की 15 करोड़ रुपए की संपत्तियों को जब्त किया है। कंपनी पर यूनियन बैंक के साथ 22.20 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला चल रहा है। मुख्य आरोपी राजीव त्यागी और उनके बेटे के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया है। बैंक ने संपत्तियों की कीमत बढ़ाकर कर्ज लिया गया बताया। उत्तर प्रदेश सरकार ने ब्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए बफर स्टॉक से प्याज बेचने का निर्णय लिया है। खुदरा कीमतें 58 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है, जबकि सरकार 35 रुपये में बिक्री की योजना बना रही है। सरकार का मानना है कि आगामी खरीफ फसल से उत्पादन में सुधार होगा, जिससे कीमतें स्थिर रहेंगी। आज के लिए इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनके नाम है सपना कुमारी, दीपक कुमार, प्रमिला कुमारी, धनंजय कुमार, नुन्नू गोलू कुमार, जितेंद्र ठाकुर, संजीव कुमार, नौसाद रजा, कलेंद्र, मोहम्मद साकिर हुसैन, राजू कुमार, रामबाबू दास, छोटे लाल। अब बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आपने कभी AI का इस्तेमाल किया है? आप अपना जवाब हमें हमारे कॉमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।